देख रहे हैं स्टिच एंड स्टाइल पायसवा। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी टॉप बनाना सिखाऊंगी जो कि आप बना सकते हैं सिर्फ 1 मीटर फैब्रिक में। बस ये मैंने जो फैब्रिक लिया है इसकी मेजरमेंट करते हैं। ये मेरे पास 2/4 में फैब्रिक है, ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है। अभी पहले हम इसको मेजर कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने फैब्रिक की जो लेंथ ली है वो मैंने ली है 15.5 इंचेस। इसके बाद जो विड्थ मैंने इस टॉप की ली है वो मैंने ली है 22 इंचेस। तो व्यूअर्स, ये हमारे पास जो फैब्रिक है इसकी सीधी साइड है। अभी हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे कि इसकी उल्टी साइड हम इस तरह से ऊपर ले आएंगे और जो सीधी साइड है इनको आमने सामने लेके अंदर की तरफ कर लेंगे। इसको इस तरह से रखें अपने सामने, बराबर करें और इसको इस तरह से 4 फोल्ड में कर दें। 4 फोल्ड में करने के बाद अपने सामने बिल्कुल इस तरह से रख लें। ये आप देख सकते हैं ये इसकी क्लोज साइड है और ये इसकी ओपन साइड है। ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच निशान लगाएंगे। 1 इंच यहां से हम लोग इसको मार्क कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने 1 इंच पे मार्क कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमें शोल्डर साइज कितना चाहिए। तो यहाँ पे जो शोल्डर साइज मैं लूंगी वो मैं लूंगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। 6.5 इंचेस पे इस तरह से मार्क कर लें। 6.5 इंचेस पे मार्क करने के बाद हम आर्म लेंथ भी, आर्म होल के लिए जो लेंथ लेंगे वो भी हम 6.5 इंचेस ही लेंगे, क्योंकि मोस्टली जो हम शोल्डर लेंथ लेते हैं सेम हमारे पास वही जो है आर्म लेंथ होती है। तो यहां से इसको इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। तो व्यूवर्स, अभी हम यहाँ से चेस्ट साइज लेंगे। चेस्ट साइज जो मैं यहाँ पे लूंगी वो मैं लूंगी यहाँ पे 34 इंचेस, क्योंकि मैं ये टॉप बना रही हूँ स्मॉल साइज में। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज ले सकते हैं, 36 भी ले सकते हैं, 38 भी, जो आपका साइज है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे जो मैं साइज लूंगी, चेस्ट साइज वो लूंगी मैं 34 इंचेस। तो 34 इंचेस के लिए हम, मुझे यहाँ पे निशान लगाना है, तो मैं क्या करूंगी कि 34 इंचेस को 4 पे डिवाइड करके उसमें 1/2 इंचेस लूजिंग ऐड करके जो हमारा आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 9। तो मैं यहाँ पे निशान लगा लूंगी 9 इंचेस पे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे वेस्ट का जो साइज है वो मेजर करेंगे। तो वेस्ट के साइज के लिए हम क्या करेंगे कि जो वेस्ट का साइज होगा आपका, ठीक है, उसको आप 4 पे डिवाइड करके 1/2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और तो वो आपका वेस्ट का साइज आ जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा वेस्ट साइज है वो 30 इंचेस है। 30 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 8। तो यहाँ पे मैं 8 इंचेस पे मार्क कर लूंगी। 8 इंचेस पे मार्क करने के बाद स्केल की मदद से इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। ये जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था इसको हम यहां से थोड़ा सा कर्व कर देंगे। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप में हम यहां पे देखेंगे कि हमें नेक साइज कितना चाहिए। नेक विड्थ हम यहां पे लेंगे 3 इंचेस। 3 इंचेस नेक विड्थ लेने के बाद व्यूअर्स, आप यहां से, जहां से हमने आर्म होल कट किया था, 1/2 इंचेस नीचे की तरफ एक निशान लगा लें। 1/2 इंच निशान लगाने के बाद हम इस निशान को यहां पे इसके साथ मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास शोल्डर स्लोप बन जाएगा। इसका ये फायदा होता है कि यहाँ पे जब आप सिलाई लगाते हो तो कपड़ा इकट्ठा नहीं होता। मैं हम यहां से 1 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1 इंच पे मार्क करने के बाद यहां पे भी आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ये जो हमने निशान लगाया है ये हमने सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाया है। हमें ये देखना है कि हमें नेक कितनी डीप चाहिए। तो नेक का साइज लेने के लिए हमने ये जो लाइन लगाई थी, ठीक है, इसके नीचे से हम इसका साइज लेंगे। तो नेक का साइज मैं यहाँ पे लूंगी 5.5 इंचेस पे। व्यूअर्स, 5.5 इंचेस पे निशान लगाने के बाद अभी हम यहाँ पे इसको ड्रॉ करेंगे नेक को। तो मैं यहाँ पे नेक जो है वो राउंड नहीं लूंगी, मैं थोड़ी सी गोलाई में इसको वी शेप लूंगी। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से वी शेप को थोड़ी सी गोलाई में कर दिया है। अभी जब बैक नेक का हम निशान लगाएंगे तो बैक नेक मुझे डीप करनी है तकरीबन 3 इंचेस।
तो व्यूअर्स जो बैक नेक है वो मैं थोड़ी सी राउंड पे रखूंगी, वो मैं वी शेप में नहीं रखूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग अगर चाहते हैं तो आप राउंड शेप में रख लें, जो भी आप चाहें आप उसके अकॉर्डिंग बैक नेक को डिजाइन कर सकती हैं। तो बैक नेक को गोलाई दे दी है, यहाँ पे सिलाई के मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। तो सिलाई के मार्जिन के लिए जो मैं निशान लगाऊंगी वो मैं लगाऊंगी 1 इंच पे, आप 1.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। एट द एंड मैंने क्या किया कि आधा इंच यहां से ऊपर की तरफ निशान लगा के इस तरह से इसको गोलाई दे दी। आप चाहे तो गोलाई दे सकते हैं, चाहे तो ना भी दे तो कोई मसला नहीं। उसके बाद मैंने यहां से कटिंग कर दी है, ये एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है वो इस तरह से यहां से मैंने कट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। तो अभी इसको हम रिमूव कर देंगे। ये यहाँ पे हमने अब नेक की कटिंग करनी है, तो नेक की कटिंग के लिए पहले हम जो बैक पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे। व्यूअर्स बैक पार्ट हमने रिमूव कर दिया है, अभी हम जो फ्रंट पार्ट है उसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। बस ये हमारे पास फ्रंट नेक की कटिंग इस तरह से रेडी है। ये जो हमने पीस फ्रंट नेक में से निकाला था जिसके ऊपर हमने निशान लगाया था, इसको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। जो हमने मार्क लगाया था बैक नेक के लिए उसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारे पास बैक पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है और ये हमारे पास फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कंप्लीट है। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने फ्रंट नेक की जो कटिंग की थी, अभी यहाँ पे मैंने 1.25 इंच चौड़ाई पे सेम वैसा ही एक नेक काट ली है, ये आप देख सकते हैं। इसको बिल्कुल इसी साइज पे इसको कपड़े के ऊपर रखें और ये ड्रॉ कर लें, उसके बाद 1 इंच चौड़ा इसको 1.25 इंच भी आप कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से इसको कट कर लें। कट करने के बाद इस तरह से अपनी जो फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से सीधा रखेंगे आप, और ये जो गला है इसकी बैक साइड को इस तरह से सामने रखेंगे आप, और इस तरह से करके इसके सारे पे इस तरह से हम एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे जो हम सिलाई लगाने के बाद इसको कट से लेंगे ताकि यहाँ पे झोल ना पड़े, उसके बाद हम इसको फर्दर स्टिच करते हैं। वहां पे हम हल्के हल्के से कैंची की नोक की मदद से कट्स लगा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में व्यूअर्स अभी हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ी सी अगेन फोल्डिंग देके यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं और आप तरपाई भी कर सकते हैं। व्यूअर्स आप देख सकते हैं हमने फ्रंट नेक भी रेडी कर ली है, सेम इसी तरह बैक नेक भी वैसे ही रेडी कर ली है जैसे हमने फ्रंट नेक रेडी की थी। ठीक है, इसको अंदर की तरफ से आप तरपाई करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरती आएगी, अदरवाइज आप सिलाई भी लगा सकते हैं, मैं बाद में इसको तरपाई करूंगी। अभी हम जो नेक का जो शोल्डर है इनको हम ज्वाइन करेंगे। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि मैंने आर्म होल की फोल्डिंग के लिए ये पट्टियाँ काट ली हैं, ये 1-1 इंच की है। अभी हम इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इनको इस तरह से इसके साथ अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड करके हम इनको सिलाई लगा के जो है आर्म होल की फोल्डिंग बना देंगे। व्यूअर्स यहाँ पे हमने इसकी फोल्डिंग अटैच कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम यहाँ से 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 1 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पे इंचेस टेप को रखें और 7 इंचेस पे एक निशान लगा दें। 7 इंचेस पे निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से ये जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दें। सेम इसी तरह यहाँ पे भी 1 इंचेस पे मार्क करें। 1 इंचेस पे मार्क करने के बाद 7 इंचेस पे एक निशान लगाएं और यहाँ पे भी इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर दें। जैसे हमने ये फ्रंट साइड पे निशान लगाए हैं बिल्कुल ऐसे ही आप बैक साइड पे भी निशान ड्रॉ कर लें। व्यूअर्स ये हमने जो फैब्रिक लिया है ये हमने लिया है स्लीव्स की कटिंग के लिए, तो इसकी हमारे पास जो विड्थ है वो है 13.5 इंचेस। सेम इसी तरह हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो भी तकरीबन 13 इंचेस है। तो आप 13x13 इंचेस का ही एक इस तरह से पीस ले सकते हैं।
हम ये स्लीव्स इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अभी हम ये जो टॉप बना रहे हैं ये हम 1 मीटर में बना रहे हैं, तो 1 मीटर में कपड़ा हमारे पास बहुत कम बचता है स्लीव्स के लिए, तो इसके लिए हम शॉर्ट स्लीव्स बना रहे हैं। तो इसको इस तरह से 4 फोल्ड्स में कर लें, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ से इसके 4 फोल्ड्स हैं, ये इसकी क्लोज साइड है, ये इसकी ओपन साइड है। अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हम इसको इस तरह से रखें, ये जो क्लोज कॉर्नर है इसका यहाँ पे इंची स्टेप को रखेंगे। यहाँ पे इंची स्टेप को रखने के बाद हम 6.5 इंचेस पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे, इसको घुमाते जाएं और निशान लगाते जाएं। व्यूअर्स, ये हमने इसको इस तरह से निशान लगाने के बाद हम अब इसको यहाँ से कट कर देंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर देंगे। अभी हम इसको ओपन करेंगे इस तरह से, ओपन करने के बाद यहां से हम इसको कट कर देंगे। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब 2 स्लीव्स आ गए हैं, एक ये और एक ये। अभी हम ये जो राउंड शेप है यहां से हम बारीक अंदर की तरफ इसकी इस तरह से करके फोल्डिंग कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो यहां से पीको भी करवा सकते हैं। स्लीव इस तरह से लेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ से फोल्ड करने के बाद जो इसका सेंटर होगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से सारा फोल्ड करते हुए इस तरह से इसकी बिल्कुल सीधी सी सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमारा जो शर्ट की जो स्लीव है ये इसके साथ अटैच हो जाएगी। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने ये स्लीव इस तरह से अटैच कर ली हैं। जब ये पहनी जाएगी टॉप तो उस टाइम इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आएगी, इस तरह से इसकी कुछ शेप आएगी इस तरह से। तो यहाँ तक तो हमारी टॉप हो गई है कंप्लीट। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पे बॉटम को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद हम ये साइड्स की इसकी सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, बॉटम पार्ट के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है ये आप देख सकते हैं कि इसकी सीधी साइड है और ये इसकी उल्टी साइड है। तो अभी हम इसकी जो हमने इस तरह की 2 लंबी सी पट्टियाँ ले ली हैं ये आप देख सकते हैं, इनकी जो हमने लेंथ ली है, व्यूअर्स बॉटम पार्ट की जो लेंथ है हमारे पास ये है तकरीबन 11.5 इंचेस। इन दोनों जो दोनों पट्टियां हैं इनकी लेंथ जो है 11.5 इंचेस है। अगर हम इसकी जो विड्थ है उसको चेक करें तो ये हमारे पास आ जाती है, ये आप देख सकते हैं 44 इंचेस। तो दोनों पट्टियों की जो चौड़ाई है वो हम 44 इंचेस ले लेंगे। अभी एक को हम इस तरह से आके सेपरेट कर देंगे। व्यूअर्स, अभी ये जो हमने बॉटम पार्ट लिया है इसको इसमें हमें इस तरह से प्लेट्स डालने हैं। प्लेट्स डालने के बाद हम इसको जो शर्ट का फ्रंट पार्ट है उसके साथ अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह जो दूसरी पट्टी है उसको भी इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद हम जो बैक पार्ट होगा उसके साथ अटैच कर देंगे। हमने इसके प्लेट्स डाल ली हैं, पिन्स की मदद से हमने प्लेट्स को सिक्योर कर लिया है। अभी हम इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह हम बैक पार्ट भी अटैच कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी टॉप बिल्कुल रेडी है। ये परफेक्ट साइज है यंग गर्ल्स के लिए, जिनका चेस्ट साइज 36 है उनके लिए लेंथ ये हर साइज के लिए, चाहे लार्ज या स्मॉल है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज है उनकी लेंथ बिल्कुल ठीक है। अगर कोई लार्ज बनाना चाहता है, एक्स्ट्रा लार्ज बनाना चाहता है तो चेस्ट साइज अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर लेंगे तो आपकी टॉप इजीली घर पे बन जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।